दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग दिवाली पर नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली पर बाजारों में रौनक रहती है, बच्चे बड़े सब पटाखे फोड़ते हैं और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि भारत के गाँव में लोग दिवाली के नाम से डरते हैं? वहाँ के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। झोलपुर नामक भारत के एक गाँव में एक बुजुर्ग औरत मीता रहती थी। ये औरत दिखने में बहुत डरावनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी मोटी नाक और लंबे घने सफेद बाल थे। वह औरत गले में बहुत सारी मालाएं पहने रहती थी। उसकी सारी उंगलियां भी अंगूठियों से भरी रहती थी। मीता ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसका घमंडी स्वभाव देखकर गांव के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। मीता को जादू टोटका आता था। मीता पूरे दिन हवन में मगन रहती। गाँव वालों को ये तो पता था कि मीता को काला जादू आता है, परंतु गांववासी उसे आज तक रंगे हाथ नहीं पकड़ पाए थे। मीता के दो बेटे थे, सोहन और रोहन। वो दोनों गांव में जमींदारी किया करते थे। मीता अपने बेटों से बहुत प्यार किया करती। उससे अपने बच्चों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। मीता को अपने दोनों बेटे बहुत प्यारे थे। वो अपने बच्चों को देर रात में अपने पास बिठा कर उन्हें काला जादू सिखाती और उनको अपनी शक्तियां देती। मीता एक दिन दीपावली की अमावस्या की रात में अपने घर पर बैठकर हवन कर रही थी। ओम क्लीम क्लाम, ओम क्लीम क्लाम। बेटा, मेरी अब उम्र नहीं है, मैं शायद ज्यादा दिन जी भी ना पाऊं, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी शक्तियाँ तुम दोनों में आ जाएं। मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, परंतु तुम मुझे जब जब बुलाओगे मैं तुम्हारे पास होंगी। मेरी आत्मा तुम्हारे पास रहेगी। माँ, तुम ऐसे मत बोलो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये बात मीता के पड़ोसी ने सुन ली और वो ये बात सुनकर हैरान परेशान हो गया। अरे ये देखो, मीता काला जादू कर रही है और ये दिवाली की रात में अपने बेटों को अपनी शक्तियाँ दे रही है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम दोनों इस गांव पर राज करो। हाँ माँ, हम जरूर करेंगे। हम आपकी शक्तियाँ ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे। आप चिंता ना करो, सब अच्छा ही होगा। मीता की ये बात पड़ोसी सुन लेता है। अरे भाई लोगों, इस औरत को देखो, ये तो अलग ही दिशा में चल रही है। ये तो काले जादू से हम सब गांव वासियों को अपने बस में करना चाहती है। ये तो अपने बच्चों को हमारे ऊपर राज करवाना चाहती है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई तुम। हमें जल्द से जल्द इस मीता और इसके बच्चों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी जान खतरे में है। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम इस मीता और उसके दोनों बेटों को चुपके से किसी बहाने से उठा लें और इनमें ही अनार और फुलझड़ी लगा के जला दें। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस मीता को अभी बस हवन से उठने दो। हम सब आज ही मिलकर इसका और इसके बेटों का सफाया कर देंगे। कुछ ही देर में देखते ही देखते मीता और उसके बेटे का हवन पूरा हो जाता है। चलो भाइयों, इस औरत को पकड़ो। हीरा और गांववासी मीता और उसके बेटों को पकड़ लेते हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? कोई है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तू अभी अपने बेटों के साथ बैठकर जो हवन कर रही थी और तेरी सारी बातें हम सब गांव वालों ने सुन ली हैं। अब देख, हम सब मिलकर क्या हाल करते हैं तेरा। तो फिर हम अब ऐसा क्या करें कि इन तीनों का हमारे गांव से नामो निशान ही मिट जाए? होए, हम ऐसा करते हैं, गांव से दूर जो जंगल है, हम इन तीनों को उधर ले जाते हैं और अभी रात की रात में ही इन तीनों में अनार और फुलझड़ी लगा के आग लगा देते हैं। होए, मीता और सोहन रोहन गांववासी की ये बात सुन लेते हैं। नहीं, तुम मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं करोगे। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। तुम मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को मत दो, हमें माफ कर दो। मीता और उसके बेटे अपनी मौत की बात सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। हीरा और गांव वाले देखते ही देखते दीपावली की रात में, जहाँ पूरा देश खुशी मना रहा होता है और मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, वो सब और उसके बेटे को लेकर अपने गांव से काले जादू का नाश करने जा रहे होते हैं। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद हीरा और उसके गांववासी मीता और उसके बेटे को लेकर जंगल पहुंच जाते हैं।
चलो भाई लोग, हम अब यहाँ पहुँच ही गए हैं। अब इन्हें हमें जल्द से जल्द ही जलाना होगा। वैसे भी आज दिवाली की रात है, आज के दिन ये काला जादू और टोना टोटका बहुत असर करता है। गाँव वासी देखते ही देखते मीता और उसके बेटे रोहन और सोहन में अनार और फुलझड़ी से आग लगा देते हैं। कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। मैंने माना कि मैंने गलती की है, पर इसकी सजा तुम मेरे बेटे को दे रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखते ही देखते मीता और उसके बेटे रोहन और सोहन अनार और फुलझड़ी से जलने लगते हैं। अरे भाई लोगों, चलो अब घर चलें। हमने इन्हें इनके पापों की सजा दे दी है। आओ चलो, अब हम सब मिलकर घर चलें और अपना दिवाली का त्योहार और धूमधाम से मनाएं। हो बिल्कुल, अच्छा हुआ हमें इस मीता के बारे में आज पता लग गया और हमने इनका विनाश कर दिया। एक तरफ मीता और उसके बेटे पटाखों में जल रहे थे, तो दूसरी तरफ गांववासी अपने घर जाकर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे। हीरा मीता को जलाकर गांव पहुंच जाता है, तो वह मीता, सोहन और रोहन को अपनी आंखों के आगे देखता है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये मीता को तो हम सभी गांववासी अभी जला कर आए हैं। ये औरत अपने बेटों के साथ यहाँ कैसे पहुँच गई? मीता अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और रोहन और सोहन भूत। तुझे शर्म नहीं आई ना? मैंने कितने हाथ पैर जोड़े थे तेरे आगे, पर तूने हमारी एक नहीं सुनी। तूने हम सबको बम में जलाकर मार डाला। देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब गांव वालों ने बोला था मुझे तो तुम्हें आग लगाने के लिए। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब देख आज तेरी कैसे दिवाली मनाते हैं हम तीनों मिलके। तभी मीता अपनी शक्तियों से हीरा में आग लगा देती है और हीरा का भी विनाश कर देती है। अब से इस गांव में दिवाली बनने ही नहीं दूंगी। मेरा और मेरे बेटों का साया इस गांव में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जो भी इस गांव में दिवाली के दिन कुछ अच्छा काम करना चाहेगा, मैं उसे किसी भी हालत में काम नहीं करने दूंगी। यहाँ सबका विनाश होगा। इन्होंने मुझे और मेरे बेटों को जिंदा जलाकर मार डाला। हर एक से बदला लिया जाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी से ही झोलापुर में कोई भी चाकर दिवाली नहीं मनाता। मीता और उसके दोनों बेटे दिवाली की रात गांव में डेरा लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें जो कोई भी दिवाली की रात गांव में अकेला बाहर घूमता हुआ दिखता है, वो उसे भी बम से आग लगाकर भस्म कर देते हैं। अभी तक कोई ऐसी ताकत या बाबा नहीं आया जो कि झोलपुर से मीता और उसके बेटों की आत्मा को निकालकर उनका खात्मा कर सके। झोलपुर के वासियों के लिए दिवाली का दिन भी एक साधारण दिन की तरह ही है।